सो वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया सब्जेक्ट दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक्स है हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा है ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर्स में। वी आर गोइंग टू सी सम एक्सटेंशन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दिस सब्जेक्ट। सो लेट अस डिस्कस व्हाई RDBMS इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं डीमार्ट का या रिलायंस मॉल का डेटा ले लेते हैं। अभी क्या होता है कि इनके पास हज़ारों लाखों कस्टमर्स डेली के आते हैं। अब एंड ऑफ द ईयर में इन लोगों का क्या करना पड़ता है कि इन लोगों को साल के एंड में ऑडिट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या कि भाई लास्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने लास्ट में कितने प्रॉफिट बुक किया, कितने चीज़ें बेची है, या हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में इनका डेटा बहुत 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 ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डेटा अगर आप बुक्स में रखोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन दिस मैन्युअली। ठीक है, या तो पॉसिबल ही नहीं होगा, या तो भाई अभी चालू करो उसको ऑडिट करना और अगले साल इसका रिजल्ट आएगा। सो इट इज़ नाउ एट दिस स्केल वेरी मच डिफिकल्ट, और यू कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक सर्टन टाइम में इसको करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम लोग हमारा जो डेटा है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने से मेरा मतलब क्या कि जो भी डेटा है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उससे कंक्लूजन्स बना सकते हैं, हमारे डेटा को ऑडिट कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स लॉयल है, कौन से कस्टमर्स जेन्युइन है, किसको हम लोग को डिस्काउंट देना चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इस डेटा के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों के पास पहली चीज़ तो क्या, डेटा बेस होना ज़रूरी है, और डेटा बेस के अंदर क्या डेटा होना ज़रूरी है, और इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म या प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिस तरह से हम लोग इस डेटा जिस सिस्टम को यूज़ करके हम इस डेटा को प्रॉपरली मैनेज कर सके और इसे डिज़ायर्ड आउटपुट पा सके। ओके, सो आप ये काम करोगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग टू मच ऑफ डेटा, यू आर हैविंग सम डेटा। अब ये जो डेटा है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस डेटा को प्रोसेस आप डायरेक्टली तो करने नहीं वाले ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में थोड़ी इस डेटा को प्रोसेस करोगे। तो इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर। तो जनरली जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम उस सॉफ्टवेयर का नाम भी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक स्टडी भी हो गई और डेटाबेस मैनेजमेंट एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो गया। सो नाउ हाउ विल यू बी वर्किंग विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और व्हाट वाज प्रीवियस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रीवियस सेमेस्टर्स में यूज़ किए हैं, देवर ऑल्सो RDBMS। वो सॉफ्टवेयर RDBMS थे, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने RDBMS सॉफ्टवेयर यूज़ किए और हम DBMS हम लोगों ने स्टडी की, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो यू विल मोर क्लियर कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS। एंड जो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा दैट वाज आल्सो RDBMS। ठीक है, सॉफ्टवेयर RDBMS था, बट द स्टडी विच वी कंडक्टेड वॉज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के लिए जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज़ किए, देवर यूजिंग RDBMS एज देयर कंसेप्ट। क्यों वगैरह वगैरह का सवाल अब थोड़ी देर बाद मिलेगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में सबसे पहले 1960s के अराउंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, 1960s के अराउंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। तो लेट मी राइट ओवर हियर कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कब अराइज हुआ, तो 1960s के अराउंड DBMS एग्जिस्टेंस में आया। और उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कब एग्जिस्ट में आया, तो वो आया राउंड अबाउट 1970s के अराउंड। ठीक है, दोनों ही कम्युनिटी वर्क्स थे। अब 10 साल के गैप में DBMS से RDBMS आया। तो अगर DBMS ऑलरेडी था तो RDBMS हम लोगों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्यों लाना पड़ा। और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ हम लोग डिफरेंस देके पता लगा सकते हैं कि अगर DBMS था तो RDBMS क्यों आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। देखो, तो इन DBMS relations between the two tables or files are maintained programmatically. ठीक है, relation between two tables or files are maintained programmatically. जबकि in RDBMS relation between two tables or files can be specified at time of table creation. Okay, now let us discuss this point briefly.
सो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सपोज आपके पास दो टेबल है, एक है स्टूडेंट और एक है सेमेस्टर, ठीक है, आपके पास दो टेबल है, टीबीएल स्टूडेंट है और आपके पास टीबीएल सेमेस्टर है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़े, रिलेशनशिप मेंटेन करनी, तो आप कैसे मेंटेन करोगे? तो देखो, यहाँ पे भले आप कैसे एस आई डी, एस नेम एक्सेट्रा वगैरह लोगे और एस सेम आई डी ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे इट इज जस्ट रैंडम एग्जाम्पल, यहाँ पे सेम आई डी, फिर जो भी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप वो ले लो, भैया कि किस कोर्स के लिए है या जो भी है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम आई डी स्टूडेंट टेबल में और सेमेस्टर टेबल में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है कि भाई जो स्टूडेंट है वो किसी सेमेस्टर के साथ कनेक्टेड है एनी हाउ। बट यहाँ पे आपने सेम आईडी ले तो ली, यहाँ पे आपने सेम आईडी ले तो ली, अब ह्यूमन देखेगा, अब ह्यूमन आई से देखोगे तो आपको सेमेस्टर आईडी और सेमेस्टर आईडी रिलेशनशिप में दिखेगी, लेकिन एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सेम आईडीज के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो सेम आईडी इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और ये सेम आईडी इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगर आप लोगों को इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो वो आप हार्ड कोड के थ्रू करोगे, यानी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो आपको किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू, कोडिंग्स के थ्रू करनी पड़ेगी, विच वॉज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग। तो अब इस सिचुएशन को RDBMS ने कैसे सॉल्व किया? अब RDBMS क्या बोलता है कि यू डोंट नीड टू प्रोग्रामेटिकली मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, यानी आप इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को प्रोग्रामेटिकली मैनेज मत करो, ये काम मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। RDBMS क्या बोलता है कि इन दोनों फील्ड्स के बीच का जो रिलेशन है, ये इन दोनों बीच टेबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, आई विल बी मैनेजिंग दोज रिलेशनशिप्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। तो आप मैनेज कैसे करते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो यू मेक अ फॉरेन की स्लैश प्राइमरी की। तो आप क्या यूज़ करते हो? एक्चुअली फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो यहाँ पे ये क्या है? प्राइमरी की। अगर सेम आईडी अगर आप देखने जाओ तो इट इज़ अ प्राइमरी की, और यहाँ पे जो सेम आईडी है दैट इज़ अ फॉरेन की। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ बीन मेंटेन। आप जब टेबल क्रिएट करोगे, जब आप क्रिएट करोगे टेबल, तभी आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो सेम आईडी है एक्चुअली इज़ अ रेफरेंस, सेम आई डी रेफरेंसेस टीबीएल सेमेस्टर, ठीक है। तभी आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपकी फॉरेन की है या आपकी जो एफ के है, इट इज़ रेफरेंसिंग टू डायरेक्टली द टेबल टीबीएल सेमेस्टर। अब एडवांटेज क्या हो गया फॉरेन की देने का? कि भैया सपोज टेबल सेमेस्टर के अंदर आपके पास आई डी वन, आई डी टू और आई डी थ्री है, ठीक है, सेमेस्टर आई डी वन, सेमेस्टर आई डी टू, सेमेस्टर आई डी थ्री है, और यहाँ पे सेम टेबल स्टूडेंट और टेबल सेमेस्टर इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और यहाँ पे सेम आई डी इज़ अ फॉरेन की इन टेबल स्टूडेंट। तो अगर आप एक नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आई डी 109, उस नेम हो गया पॉल, जो भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, और अगर आप सेमेस्टर आई डी 4 डाल रहे हो, यहाँ पे आप सेमेस्टर आई डी 4 इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको डिनाई कर देगा। क्यों? बिकॉज ये बोलेगा कि भाई टीबीएल सेमेस्टर में तो सिर्फ सेमेस्टर आई डी 1, 2 and 3 ही है, 4 आई डी है नहीं, आप कहाँ से लाए? तो दिस सिंपल थिंग्स वर टू बी मैनेज बाय प्रोग्राम्स। हम लोगों को इनके लिए पहले क्या करना पड़ता था? DBMS में पूरे के पूरे प्रोग्राम लिखने पड़ते थे कि भैया हम लोगों को पहले चेक करवाओ कि सेमेस्टर टेबल में सेमेस्टर आईडी 4 है या नहीं, फिर ही आप टेबल स्टूडेंट में ऐड करने की परमिशन दो। तो ये सारी चीज़ें वर अ बिट डिफिकल्ट टू मैनेज प्रोग्रामेटिकली एट दैट टाइम टू। इसीलिए इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए RDBMS आया। तो RDBMS का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कि यू शुड बी यू स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की, ठीक है। वंस मोर कि RDBMS क्या बोलता है कि यू शुड बी स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो जो आपका बेसिक टास्क है वो फॉरेन की एंड प्राइमरी की से काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो आपका वैलिडेशंस करवाना है, बहुत सारा काम जो हम लोग बाद में देखेंगे धीरे धीरे, वो सारे बहुत ज़्यादा काम क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली प्राइमरी की एंड फॉरेन की से मैनेज हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ कोडिंग फॉर डूइंग सच थिंग्स।
Now let us see the second difference between DBMS and RDBMS. So DBMS does not follow client server architecture while RDBMS follows या supports client server architecture. अभी देखो एक छोटा सा example देता हूँ. यहाँ पे आपके पास दो clients है, यानी दो computers है. नाम दे देते हो दोनों को C1 C2. ठीक है, अब इस जॉब का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपके पास एक टेबल है, टेबल स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, टेबल स्टूडेंट, जिसमें सपोज 100 स्टूडेंट्स की एंट्री है. कितने? 100 स्टूडेंट्स की एंट्री है. और यही डिट्टो सेम एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ टेबल आपके सिस्टम टू के पास, यानी क्लाइंट टू के पास भी एक टेबल है जिसके अंदर 100 सेम डिट्टो, दोनों के पास क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन है. दोनों की इन्फॉर्मेशन कैसी है? एग्जैक्ट सेम है इनिशियली. अब क्या हुआ कि यहाँ पे 10 नए स्टूडेंट्स आए. ठीक है, 10 नए स्टूडेंट्स आए और ये सारे के सारे क्लाइंट वन के पास गए. अब क्लाइंट वन के पास गए सारे के सारे, तो यहाँ पे एक्चुअली जब क्लाइंट वन के पास अब देखोगे तो क्लाइंट वन ने इनकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया. क्लाइंट वन ने इनके अपने डेटाबेस में इन सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया. तो अब देखो तो इनके पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, क्लाइंट वन के पास 110. बट सपोज हो सकता है कि एक ही कॉलेज का, दोनों के दोनों एक ही कॉलेज में काम करते हैं और एक ही कॉलेज का डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर वन में क्लाइंट वन में 110 एंट्रीज बता रहा है जबकि क्लाइंट टू में सिर्फ 100 एंट्रीज बता रहा है. तो ये तो एक मिसकम्युनिकेशन हो गया. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड में बैठ के सारे डेटा को अलग करना पड़ेगा, जो भी नया डेटा आया फिर वापस क्लाइंट टू में डालना पड़ेगा, तो ही आपको एक्यूरेट डेटा दोनों पीसीज में मिलेगा, नहीं तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये सिचुएशन को दूर करने के लिए RDBMS ने इंट्रोड्यूस किया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रही थी कि भैया जो क्लाइंट वन का डेटा है वो क्लाइंट वन की मशीन पे स्टोर है और क्लाइंट टू का डेटा क्लाइंट टू के मशीन पे स्टोर है. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए डेटाबेस को आपके पीसी से निकाल दिया. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ने देखो क्या किया, आपके पीसी से डेटाबेस को ही निकाल दिया. तो आपका जो डेटाबेस आप बना रहे हो या डेटा जो टेबल्स वगैरह आप बना रहे हो वो एक्चुअली अब कहाँ पे स्टोर हो गए, एक सर्वर पे स्टोर हो गए. कहाँ पे स्टोर हो गए? सर्वर. दिस इज अ सेंट्रल सर्वर फॉर एग्जांपल. ये क्या है? सेंट्रल सर्वर है. सभी लोग या सभी क्लाइंट इस सेंट्रल सर्वर पे डेटा स्टोर करके, फॉर एग्जांपल नाउ देखो, अब जो टेबल स्टूडेंट जिसमें 100 एंट्रीज थी वो पहले कहाँ था, क्लाइंट वन के पास भी था, क्लाइंट टू के पास भी था, लेकिन अब वो निकल के कहाँ चला जाएगा, सर्वर के पास. किसके पास चला जाएगा? सर्वर के पास. अब इससे फायदा क्या हुआ, तो अब इससे फायदा ये हो गया कि जो आपका डेटा था वो माइग्रेट हो गया C1 C2 से. पहली चीज तो क्या हो गई, देखो ना C1 में स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है ना C2 में स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है. सेकंड थिंग की रिडंडेंसी बच गई. पहली आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन क्या भाई, या पहले एडवांटेज क्या हुआ कि आपका क्लाइंट के मशीन्स पे मेमोरी कंजम्पशन खत्म हो गया या मेमोरी बहुत कम ऑक्यूपाई हो रही है. दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि अब जो डेटा था वो सेंट्रलाइज हो चुका है. सेंट्रलाइज होने से एडवांटेज क्या हुआ कि भैया ना क्लाइंट वन के पास डेटा ना क्लाइंट टू के पास डेटा, डेटा कहाँ, डायरेक्टली सर्वर पे है. तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि डेटा रिडंडेंसी स्टॉप हो गई, यानी यहाँ पे 100 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी थी और 100 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी थी. अब वो डिट्टो सेम इन्फॉर्मेशन है, सो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मेमोरी. डिट्टो सेम इन्फॉर्मेशन वॉज वेस्ट ऑफ मेमोरी, तो वेस्ट ऑफ मेमोरी हट गई क्योंकि आपका डेटा सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर है. अब तीसरे एडवांटेज क्या हुई, देखो सपोज कि इस सिचुएशन में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10 और स्टूडेंट्स आए, अब 10 के 10 स्टूडेंट्स C1 के पास जा रहे हैं फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. ठीक है, कंप्यूटर वन के पास जा रहे हैं, क्लर्क वन के पास जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. अब क्लर्क अगर इनका डेटा इंसर्ट करेगा डेटाबेस में तो वो एक्चुअली कहाँ पे इन डेटास को ऐड कर रहा है, आपके सर्वर पे डेटा ऐड हो गया. एक्चुअली आपका डेटा कहाँ पे ऐड हो रहा है, क्लाइंट C1 के या क्लर्क वन के या क्लाइंट वन के PC में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है या PC में डेटा ऐड नहीं हो रहा, यह डेटा एक्चुअली आपके सर्वर पे ऐड हो रहा है. ठीक है, तो यानी अब सर्वर पे टोटल 110 स्टूडेंट्स हो गए. सर्वर पे कितने स्टूडेंट्स हो गए? 110 स्टूडेंट्स. अब एक्चुअली अगर आप क्लाइंट वन के मशीन से देखो या क्लाइंट टू के मशीन से देखो, आपको एक्चुअली डेटा कितने दिखेंगे? 110. क्यों? क्योंकि ना क्लाइंट ना इसके मशीन पे डेटा है ना इसके मशीन पे डेटा है, डेटा एक्चुअली आपके सर्वर पे स्टोर हो रहा है डायरेक्टली. सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज कि डेटा आपका सेंट्रलाइज हो गया. सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या हुआ कि हर पीसी पे इंडिविजुअली जा जाके आपको डेटा अपडेट करना पड़ेगा नहीं. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज ऑफ डेटा RDBMS.
नाउ अभी एक चीज़ देख लेते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है एक्चुअली। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या कि अगर किसी भी क्लाइंट को डेटाबेस के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन में क्या हो सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या क्वेरी, आपके मैनिपुलेशन में अगर आप किसी भी यूज़र को डेटा को मैनिपुलेट करना है, आपके ओरिजिनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेशन में क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या हो सकता है क्वेरी करो, या अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो दैट इज़ अ क्वेरी। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा चाहिए हो रहा है कि आप, तो दैट इज़ अ क्वेरी। सो अगर आपको डेटाबेस के साथ कोई भी मैनिपुलेशन एक्चुअली परफॉर्म करना है किसी भी क्लाइंट को, तो वो डायरेक्टली डेटा पे तो मैनिपुलेशन नहीं करेगा, पहले इट विल बी रिक्वेस्टिंग फॉर सर्वर या रिक्वेस्टिंग टू सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्लाइंट उनके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो एक किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर को। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, भाई मुझे इस फलाने कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डेटा दो, या मुझे इस फलाना सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डेटा दो। सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आपको डेटा सेंड करेगा। सो दिस थिंग इज नोन एज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दिस थिंग इज नोन एज रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि आप पहले किसी भी इंसर्ट या अपडेट या डिलीट के लिए रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से, सर्वर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा और आपको जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, हो सकता है रिस्पॉन्स में एरर आए कि भैया कांट कंप्लीट योर क्वेरी, या आपकी क्वेरी गलत है, या नो रिजल्ट फाउंड, एरर आ सकता है। या तो आपने सपोज सेमेस्टर फाइव के स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन मांगा, तो सारी के सारी सेमेस्टर फाइव के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो रिस्पॉन्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एरर, इट कैन बी रिक्वायर्ड डेटा, जो भी हो वो। तो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि क्लाइंट क्या करता है, आपको पहले रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, सर्वर उसका डेटा प्रोसेस करेगा और उसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि भाई आपका डेटा लो, ये आपने जो डेटा इन्फॉर्मेशन मांगा था ये उसका रिजल्ट है। सो दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेज क्या हो गया कि जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर पे डिपेंडेंट हो गए, यानी दे डोंट नीड टू प्रोसेस एनी डेटा। पहली चीज़ तो क्या, उनको डेटा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही और दे कैन बी वर्किंग ऑन द सेम डेटा। अब ये पीसी ऐड करे डेटा या ये पीसी ऐड करे, दोनों को डेटा दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट टू ने आपका एक डेटा अपडेट कर दिया या डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल दो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, तो आप कितने रिकॉर्ड बच गए, 98, तो सी टू को भी सिर्फ 98 डेटा ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस वॉज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि आपका जो डेटा होता था वो जनरली आपके पीसी में ही होना चाहिए था, जबकि RDBMS ऐसा नहीं बोलता। RDBMS क्या बोलता है कि आई सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी आप डेटा को किसी दूसरे सर्वर पे डाल दो और जितने पीसीज हो सकते हैं उनको कनेक्ट कर दो, ताकि आपका डेटा क्या है, सेंट्रलाइज रहे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड RDBMS सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने ये समझाया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यही हो गया कि आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आपके मशीन पर नहीं है। ठीक है, आपका जो डेटा है वो आपके डेटाबेस है वो आपके एक्चुअल मशीन पर नहीं है, वो किसी दूसरी मशीन के अंदर है और सारे लोग जाके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, यानी किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी एक एक्स वाई जेड जगह पर इन्फॉर्मेशन है और सारे के सारे क्लाइंट्स जाके वहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन या डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। तो DBMS में अब ऑब्वियसली डेटाबेस आपके पीसी में ही था या एक यूज़र के पीसी में ही था, तो किस तरह से एक्सेस कर सकता था, किस तरह से मैनेज कर सकता था दूसरा यूज़र उस डेटा को। ठीक है, तो DBMS डिड नॉट सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस, वाई RDBMS सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस। अब यहाँ पे देर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की कोई सिक्योरिटी एक्चुअली नहीं थी, जबकि RDBMS में बहुत सारे अलग अलग लेवल पे आप डेटा बेस में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप OS लेवल पे पहले यूज़र नेम पासवर्ड दे दो कि भाई यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो ही आप एंटर कर सकते हो। फिर कमांड लेवल पे आप दे सकते हो, कमांड लेवल पे मतलब फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पॉसिबल है बाय यूज़र एक्स, और यूज़र वाई सिर्फ अपडेट और डिलीट कर सकता है, या यूज़र सी सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता है इस डेटा को, तो वो क्या कमांड लेवल। और ऑब्जेक्ट लेवल की भाई ये यूज़र टेबल एक्स टेबल स्टूडेंट देख ही नहीं सकता, या स्टूडेंट वाई एंड जेड आपके एक पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ कि बैंक का अगर मैनेजर है तो सारे कस्टमर्स का डेटा देख सकता है जो उसकी ब्रांच में है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल बात करते हो जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सारे के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। या फिर अगर आप एग्जाम्पल ले लो स्कूल या कॉलेज का, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का एग्जाम्पल ले, तो कॉलेज के एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जो टीचर है वो हो सकता है कि सिर्फ अपने सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल या HOD है वो सारे के सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। सो दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी।
और कमांड लेवल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट लेवल एंड कमांड लेवल सिक्योरिटी हम लोग इसी सेमेस्टर में देखने वाले कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी या कमांड लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे ईच टेबल इज एक्सटेंशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनी टेबल्स एंड ग्रुप्स आर इन वन डेटाबेस। ओके ठीक है, यहाँ पे एक टेबल होता है एक पूरा प्रॉपर, यानी अगर आप सेट देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक टेबल इंडिविजुअली यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। इंडिविजुअल टेबल का किसी दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप एक्चुअली में नहीं है, लेकिन आरडीबीएमएस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेबल्स जो एक साथ के रिलेटेड है दैट क्रिएट अ डेटाबेस। यहाँ पे एक सिंगल टेबल, बस सिंगल प्लेयर, एक टेबल, उसको दूसरे किसी टेबल से लेना देना नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे टेबल जो एक्चुअली रिलेशन में है या जो रिलेटेड है दे आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल डेटाबेस एंड दे जनरली आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि सेमेस्टर और स्टूडेंट के टेबल में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, यानी दोनों यहाँ पे रिलेटेड है। यहाँ पे दोनों फिजिकली रिलेटेड नहीं है डीबीएमएस में, यानी अगर आप जो काम हम लोगों ने इनिशियली देखा था कि अगर सेमेस्टर फोर है ही नहीं टेबल सेमेस्टर में और आप एंटर करने जाओ टेबल स्टूडेंट में सेमेस्टर फोर, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर आपने प्रॉपरली कोड नहीं लिखा होगा तो, बट यहाँ पे वो अलाउ नहीं करेगा। नाउ अब डीबीएमएस क्या होता है कि ईएफ कोड, हेनरी डॉक्टर ईएफ कोड है, इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो उनमें से जो डीबीएमएस है वो जनरली 7-8 रूल से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता ईएफ कोड के रूल्स को, जबकि यहाँ पे आरडीबीएमएस यूजुअली 7-8 रूल्स डॉक्टर ईएफ कोड के रूल्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ इसके बाद नेमिंग कन्वेंशन है डेटाबेस में, आप फील्ड बोलोगे तो आरडीबीएमएस में कॉलम्स में एट्रीब्यूट आ जाएगा, आप डीबीएमएस में रिकॉर्ड्स बोलो तो यहाँ पे आरडीबीएमएस में रोज टपल एंट्री एंटिटी आ जाएगी, डीबीएमएस में फाइल्स है तो यहाँ पे टेबल रिलेशनशिप एंटिटी क्लासेस, ये इक्विवेलेंट है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। तो अब ई एफ कोड, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज द डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5, 4, 5, 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। कुछ बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया इसीलिए। नाउ ई एफ कोड के रूल पे हम लोग अलग दिन डिस्कशन करके किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। नाउ कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि लास्ट सेमेस्टर में जो अगर आपने पढ़ा था तो आपने जो थियरी पढ़ी थी या आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो दैट वाज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर किसके लिए था, आरडीबीएमएस के लिए था, ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ एक चीज़, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के एक्चुअली कुछ पार्ट्स होते हैं, ये SQL इन पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है। अब इन पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब जो आप डेटा को यूज़ कर रहे हो या डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हो, डेटा के अंदर आप क्वेरिंग कर रहे हो, तो इन सब जो डेटा के साथ आप जो भी काम कर रहे हो तो आपको काम करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा बेस के साथ वर्क कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर टोटल चार कंपोनेंट, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड डीक्यूएल। डीडीएल मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो भी क्रिएट टेबल के सिंटेक्स लिखते हो ना, क्रिएट टेबल या फिर आप बोलो अल्टर टेबल, क्रिएट व्यू, और इस समय से हम लोग देखेंगे क्रिएट ट्रिगर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें सेमेस्टर में देखने वाले एक्स्ट्रा या नहीं, तो ये सारी जो क्रिएट 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 या अल्टर 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 वाली जो आप क्वेरीज यूज़ करते हो ना, दीज आर नोन एज या दीज आर आ पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी आप इसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करें आपके डेटाबेस में, आप इसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो दिस इज दैट इज वट इज नोन एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी आप डेटा को डिफाइन करेंगे आपका डेटा एक्चुअली कैसे होगा, इसके थ्रू आप टेबल व्यू ट्रिगर्स वगैरह जैसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। नाउ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर क्या हो गया कि आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया, अब टेबल के अंदर आपको अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है या डेटा को अपडेट करना है या डेटा को डिलीट ही कर देना है, तो ये सारी जो आप इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरीज फायर करते हो दीज आर अ पार्ट ऑफ डी एम एल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
दीज आर द पार्ट ऑफ डी एम एल. डी एम एल का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. जगह नहीं है भैया. ठीक है चलो. नाउ डी सी एल. डी सी एल का मतलब क्या होगा? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या आएगा? रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट, ये चीज़ें इस बार नहीं है. यानी इससे आपका डेटा को कंट्रोल कर रहे हो एक्चुअली, कि आपको कितना डेटा चाहिए एक्चुअली, आपको कितना अंडू करना है, रीडू करना है. तो ये सारी चीज़ें हैं ये हम इस सेमेस्टर में देखेंगे. डी सी एल के डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप व्हाट इज डी सी एल एंड डी क्यू एल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो ना, दैट इज डी क्यू एल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. डी क्यू एल क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज. डी क्यू एल का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज. यानी जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आप लिखते हो ना, दैट इज दैट फॉल्स अंडर डेटा क्वेरी लैंग्वेज. यानी आप डेटा को क्वेरी कर रहे हो, डेटा से क्वेश्चन पूछ रहे हो, या डेटा को आप गैदर कर रहे हो कि भाई मुझे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डी बी एल स्टूडेंट्स वेर सेमिस्टर इक्वल्स टू 5, या सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डी बी एल लाइक डी बी एल स्टूडेंट्स वेर एज इज ग्रेटर देन 35 या एज इज लेस देन 20. तो ये जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो ना डेटा बेस को, और जो उसका आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज नोन एज डी क्यू एल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. सो एस क्यू एल के मेजर चार कंपोनेंट्स. अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एस क्यू एल. एक्सप्लेन वट इज डी डी एल, डी एम एल, डी सी एल एंड डी क्यू एल. वट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ, वट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एल, डी डी एल, डी एम एल, डी सी एल, डी क्यू एल. तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है. एंड इंटरव्यू लेवल पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए ये पूछ रहे थे कि भाई एस क्यू एल डी क्यू एल में फ़र्क क्या है, या डी सी एल और डी एम एल में फ़र्क क्या है, या डी डी एल और डी एम एल में फ़र्क क्या. तो भले ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट ये आप एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल लाइफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह में कहीं भी बैठोगे तो. भाई अगर आपको वहाँ पे बैठे बैठे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए, भाई एस क्यू एल डी क्यू एल के में डिफरेंस क्या है, डी डी एल डी एम एल में डिफरेंस क्या है, तो डी सी एल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कभी आप डी सी एल यूज़ किया है तो ये डी क्यू एल से क्यों अलग है. तो ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस थिंग. ओके सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लास्ट टॉपिक फॉर थियरी आई थिंक सो, कि ओरेकल के डेटा टाइप्स के बाद एक कैरेक्टर, वेर कैर, डेट, नंबर, लॉन्ग, एंड दिस इज नॉट आर ए डब्ल्यू, इट इज़ आर ओ डब्ल्यू, रो. दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. यहाँ पे एक्चुअली आर ओ डब्ल्यू आएगा. लेट अस डिस्कस ऑल दिस डेटा फटाफट. तो देखो भाई, कैरेक्टर क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नाम स्टोर करना है, इन शॉर्ट स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इन सारी चीज़ें आपको ऐसे स्ट्रिंग वाली फॉर्मेट्स यूज़ करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? कैरेक्टर. बट कैरेक्टर में आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ही ले सकते हो, ठीक है. लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कैरेक्टर में, कि भैया कैरेक्टर में अगर आपने सपोज यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर ऑफ 100, आपने एक नेम को डिक्लेयर किया कैरेक्टर ऑफ 100, और अगर आपने नेम में लिखा सिर्फ सैम, तो ये कितने कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है? एक्चुअली 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो बाकी के जो 97 है कैरेक्टर्स, उनमें स्पेस फिल हो जाएगा, यानी स्पेस स्टफ हो जाएगा. यानी आपके जो 97 स्पेसेस है वो अल्टीमेटली क्या हो गई? बर्बाद हो गई, वेस्ट हो गई. वो आपने अपने 97 स्पेसेस को लूज कर दिया, मेमोरी तो ऑक्यूपाई होगी. और कैरेक्टर की एक लिमिटेशन क्या कि आपने मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर पाओगे कैरेक्टर्स में. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक मसीहा जिसका नाम था वेयर केयर. अब वेयर केयर क्या बोलता है? वेयर केयर या वेयर केयर टू बोलो, दोनों एक ही चीज़ है फिलहाल के लिए. दोनों में अभी कुछ डिफरेंस एक्चुअली नहीं है. तो वेयर केयर या वेयर केयर टू क्या बोलता है कि भैया आप 200 का डिक्लेयर करो, 500 का डिक्लेयर करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं. अगर आपने सेम नाम लिखा है तो सिर्फ 3 ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी. तो वेयर केयर क्या बोलता है? अगर आपने नेम वेयर केयर ऑफ 100 डिक्लेयर किया है और आप नाम ऐड करते हो सैम, आपने नाम क्या दिया सैम, तो ये कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा? सिर्फ 3. बाकी के 97 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा नहीं. यानी आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बाइट यूज़ कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप अगर 3 बाइट का नाम लिख रहे हो तो भी आप अल्टीमेटली 100 बाइट्स यू ऑक्यूपाई कर रहे हो. लेकिन आप यहाँ पे अगर 3 बाइट का नाम लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बाइट ऑक्यूपाई होगी, बाकी 97 बाइट्स फ्री रहेगी. जबकि यहाँ पे 97 बाइट्स फ्री रहेगी नहीं, उनमें स्पेस फिलअप हो जाएगा. इसमें वो 97 बाइट्स पूरी की पूरी फ्री ही रहेगी. सो दिस इज एडवांटेज ऑफ वेयर केयर ओवर कैरेक्टर. और एक और चीज़, इसमें आप तो 4000 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो. नाउ डेट, अगर आपको डेट या टाइम स्टोर करना है आपके डेटाबेस में, तो यू विल बी यूजिंग डेट डेटा टाइप. देन देयर इज नंबर डेटा टाइप. नंबर डेटा टाइप
अगेन अगर आपको कोई नंबर्स यूज़ करने हैं, नंबर स्टोर करने हैं, तो यू कैन बी यूजिंग नंबर। अब यहाँ पे देखो पी कॉमर्स लिखा है, यानी यहाँ पे क्या हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, सपोज दे लेते एज 5.2, तो ये 5 का मतलब क्या है कि अप टू टोटल आप 5 डिजिट तक एज इनपुट कर सकते हो, और पॉइंट के बाद आपको कितने 2 कैरेक्टर्स ही चाहिए, यानी अगर आप लिखोगे 25.235 तो ये क्या करेगा 35 को इग्नोर कर देगा, सिर्फ 22 ही लेगा। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पे इतना सारे आपने 5 डिजिट तक अलाउड है, अगर आपने 6 डिजिट डाल दिया तो ये अलाउ करेगा नहीं। सो पी मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड 2 इज़ द फ्लोटिंग पॉइंट या प्रिसीजन पॉइंट। अब लॉन्ग, लॉन्ग में क्या है कि अगर आपको 2 GB तक का डेटा स्टोर करना है, देखो यहाँ पे लिमिट है 400 bytes की, अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो यू कैन बी यूजिंग लॉन्ग एज अ डेटा टाइप। उसके बाद उसके अलावा इंटीजर भी आता है, इंटीजर में आप सब कुछ फ्लोट पॉइंट वगैरह यूज़ कर सकते हो जो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ देयर इज ROW, इट इज़ नॉट REW, इट इज़ ROW एंड लॉन्ग रो, लो रो स्लैश लॉन्ग रो, इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। रो और लॉन्ग रो में क्या होता है एक्चुअली, इसमें आप पिक्चर स्टोर कर सकते हो या डिजिटलाइज डेटा स्टोर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गए, ऑडियो हो गए, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ स्टोर करनी है तो आप रॉ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ ख़त्म थियरी फाइनली, थैंक गॉड। हेनरी एफ कोड के रूल हम लोग बाद में देखेंगे, सी जो भी कोड्स रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे, कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल में लिटरली मज़ा आएगा, दैट इज़ माई गारंटी, अगर अच्छे से करोगे तो और प्रैक्टिस रखोगे तो इस सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। कल से हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने DBMS में क्या देखा था, वो क्वेरीज वगैरह से फायर कर रहे थे ना, अब वो सारा काम हम लोग क्वेरीज वगैरह को छोड़ के अब हम लोग प्रैक्टिकली कोड लिखेंगे, इसके अंदर के कोड लिखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने Oracle इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लो, अगर तो आपके पास Oracle नहीं है तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ से Oracle जाके डाउनलोड कर लेना। एंड प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज कि मैं जिस दिन RDBMS के जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसी दिन उस प्रैक्टिकल को कर लेना, तो ही आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आपने सेम डे पे या फॉर एग्जांपल आपने 2-3 लेक्चर स्किप कर दिए, 2-3 लेक्चर साथ में करने जाओगे ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।